हेलो फ्रेंड्स, हम हैं आज रंगनाथपुर के इस पावन धरती पे जहाँ से कि कल निकलने वाला है रामनवमी का एक बहुत ही महाकलश यात्रा। यदि आप रंगनाथपुर क्षेत्र से 10-20-30 किलोमीटर के एरिया में आप रहते हैं तो आप जरूर इस एरिया में आए रंगनाथपुर से और कलश यात्रा में अपना हिस्सा लें और योगदान करें। और हाँ, कलश यात्रा में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी गई है। अगर यहाँ से कोई भी पैदल जा रहा है नदी के पास तक, तो उधर से आने के लिए आप सभी को गाड़ी की व्यवस्था है फुल। तो अगर किसी को भी रास्ते में कोई भी दिक्कत भी हो रहा है तो साथ में एक एम्बुलेंस एंड डॉक्टर का भी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के काम करता से हमको पता चला कि यहाँ पे सारे डॉक्टर का भी प्लस एक एम्बुलेंस और उधर से आने के लिए गाड़ी का भी व्यवस्था है। अगर आप सभी हमारे आसपास मतलब 30 किलोमीटर के दायरे से देख रहे हैं तो आप लोग कलश यात्रा में भाग लेने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आप सभी को मिलते हैं हम कल कलश यात्रा में सुबह 7 बजे और आप लोग कलश यात्रा। और यहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग झूले हैं और चाट पकौड़े और बहुत प्रकार के यहाँ पे मतलब मीना बाज़ार, रसलीला, रामलीला और कई प्रकार के यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। मेले में किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखने के लिए पूरे मेले में सर्विलेंस कैमरा भी लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, किसी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना हो और किसी भी प्रकार का किसी का सामान कोई चोरी ना हो, इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। तो आप आ सकते हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ का हम जिम ऐप का लोकेशन कोऑर्डिनेट दे देंगे, आप यहाँ पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अभी सब कुछ टेस्टिंग मोड में है, यहाँ पे झूले का टेस्टिंग चल रहा है और यहाँ पे जहाँ पे राम जी को रखना है, यहाँ पे राम जी का मूर्ति रखा जाना है, वहाँ का भी पंडाल का तैयारी किया जा रहा है, सजावट किया जा रहा है। अभी पूरे रात में यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। कलश यात्रा जो भी निकलने वाला है तो कलश जो भी यहाँ पे रखा जाएगा परिक्रमा करने के लिए, वो भी स्थान यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। वहाँ पे वो है मेन गेट, जी हाँ, हॉस्पिटल मोड़ के जस्ट ठीक सामने, वहीं से एंट्री करना है तो वहीं है मेन गेट। तो वहाँ पे भी अभी बहुत बड़ा दरवाज़ा लगाना बाकी है। तो कुछ ये है आज का यहाँ का फाइनल अपडेट। तो कल आप आ सकते हैं, संपूर्ण यहाँ पे जो भी व्यवस्था होना चाहिए यहाँ के वॉलंटियर और पूरा स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं कल कलश यात्रा में, तब तक के लिए जय श्री राम।